में भारीपन, जकड़न, गर्दन में अकड़न, बॉडी में निरुत्साह, कुछ काम की नहीं, इच्छा नहीं होना, ऐसे काफी सारे लक्षण लोगों को होते रहते हैं। और सभी तरह की जांच करने के बाद में भी उसमें मिलता कुछ नहीं है। पहले सीटी स्कैन करो, फिर एमआरआई करते हैं, फिर बाद में ईजी करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, सब करने के बाद में भी मिलता कुछ नहीं है। बहुत सारे निगेटिव विचार चालू है, बहुत भारी भारी सिर लगता है, गर्दन में जकड़न है, नींद नहीं आ रही बराबर, खाना नहीं थक रहा है, ऐसे सिम्टम्स लेकर लोग मेरे पास में आते रहते हैं। ये लोगों पूछा तो बोलते नहीं, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहा, लड़का रहा तो बोलते पढ़ाई में ध्यान नहीं है, कुछ पढ़ा तो याद नहीं रहता है, या कुछ जॉब करता हूँ तो बोले जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और ऐसा लगता है कि अपन कोई बहुत सारा बीमारी है। अब ये जो है, जब रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि भाई ये पूरे जो जितने भी थॉट्स अंदर चल रहे हैं ना, वो थॉट्स की वजह से पूरे इमोशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं, और थॉट्स और इमोशंस जब डिस्टर्ब होते हैं, जब डोपामिन सिक्रीशन, सेरोटोनिन, जो फील गुड हार्मोन है ना, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, इनकी मात्रा कम हो जाती है, उधर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं, स्टीरॉइड, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन बढ़ेंगे, और फिर तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। तो एक लड़का आया था, उसने मुझे ये बताया, मैंने वही बोला, अब बताओ क्या हुआ, हुआ क्या, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? तो बोले नहीं नहीं ऐसे हो रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। फिर जब काउंसिलिंग के लिए उसको मैंने बोला कि नहीं, जरा उसको मैंने थोड़ा बोलने के लिए बोला, उसको पूछा, उसको बोला कि ठीक है मैं तेरे साथ में बात करूंगा, ये सीक्रेट रहेगा, प्रोफेशनल सीक्रेसी है, शांति से बात करो, समझाया। तो उसने बोलना चालू किया, उसने बोला कि मैं एक बड़े शहर में मैं पढ़ाई के लिए गया था, वहाँ एक लड़की के साथ में मेरी दोस्ती हो गई, वो हमारे जात की लड़की नहीं थी, और उसके साथ में मेरे काफ़ी सारे अच्छे संबंध हो गए, रिलेशनशिप हो गई, और मेरे को लगता था कि मैंने शादी करना चाहिए। फिर घर के लोगों को मालूम हुआ, तो ये सब लोग वहाँ चले गए, वहाँ देखा तो वो उनको मालूम पड़ा कि ये लड़की कोई अच्छे चाल चलन की नहीं है। उसकी जो माँ बाप थे वो भी ठीक ठिकाने, मतलब उनका भी कोई ठिकाना नहीं था, वो एक ऐसे बस्ती में रह रहे थे कि जहाँ मतलब लेटरिन का भी प्रॉब्लम है, लेटरिन भी अटैच नहीं है, या ऐसे झोपड़पट्टी के एरिया में रह रहे थे, और ये लड़की जो है उसके ये इसमें फंस गया था। तो उसने उन्होंने इसको उठा के वहाँ से फिर घर में वापस लेके आया। अब जब से वापस लेके आया तो उसको बार बार वही विचार आ रहे हैं। क्या होता है कि ऐसी कुछ तो भी घटना हो जाती है, उसके विचार बार बार आते रहते हैं, निगेटिव विचार आते हैं, या वही विचार जो घूमते रहता है कि बाद में कुछ सूझता नहीं है, वही विचार आएगा। उसको ये विचार आ रहा कि मैं लड़की तो अच्छी है, उसके घर वाले ठीक नहीं है, वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, या उनका कोई ठिकाना नहीं है, इसकी चाल चलन ठीक नहीं है, ठीक है मैं उसको ठीक करूँगा, उसको दो तीन दोस्त है और तो मैं उसको शादी के बाद में सुधर जाएंगी, मतलब इसको तो सब पॉजिटिव दिख रहा है, उसको तो वो दिख रही है कि बस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की तो वही है, और ये तो अप्सरा है, और उसके तो मैं साथ में अच्छा जीवन जीऊँगा, ऐसा उसको दिख रहा है। जब वो घर पे लाया तो उसको वही दिमाग में बार बार विचार है कि ये तो अप्सरा है, और मैंने अप्सरा को छोड़ के इन्होंने घर वालों ने मेरे को पकड़ के लाया। अब जब मेरे पास में उसको लाया तो मैंने बोला कि ठीक है, तू तो सब अच्छी अच्छी बातें दिख रहा है, घर वालों को तू बोल रहा है, उनको दोष दे रहा है कि भाई तुमने जबरदस्ती मेरे को उठा के लाया। सबसे पहला मैं जब सवाल इनसे करता हूँ, बोलता हूँ क्या तुम्हारे सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गई थी? तो बोले तो ना बोलते लोग, बोलते हाँ हुई थी। क्योंकि जब सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाती है ना, जब सेक्स हो जाता है ना, तो जब ये मतलब रिलेशनशिप है ना, बहुत पकड़ पक्की हो जाती है। बोले हाँ हुई थी, और मेरे को भी बार बार वही याद आ रहा है। मैंने ठीक है, अभी घर के लोगों को दोष देना, वही विचार करना, वही निगेटिविटी में अंदर चले जाना। अभी तू देख कि वो लड़की के साथ में शादी करता था तो वो तू देख रहा है कि सभी अच्छा हो रहा है कि भाई वो तो मेरी रानी है और बहुत अच्छा हमारा जीवन बिताते थे, वो लड़की बहुत ही सुंदर है, वो तो अच्छी है, वो तो बहुत प्यारी है, वो तो बहुत केयरिंग है, ऐसे ही सब देख रहा है तू, और तेरे को लगता है कि जबरदस्त ला लिया। अब घर वाले जो बोलते हैं वो एंगल से देख, अभी वो एंगल से आपने देखा तो मालूम पड़ेगा, कह रहे वो लड़की जो है उसको ऑलरेडी दो तीन लड़के दोस्त है, वो जो तेरे को मालूम है। घर वाले बोल रहे कि भाई वो अभी से ही ऐसे इधर उधर घूम रही है, अलग अलग लोगों के साथ में घूम रही है, अच्छी चाल चलन की नहीं है, समझो वो शादी के बाद में भी ऐसी करती तो कितना प्रॉब्लम है। शादी के बाद में तेरे दिमाग में ऐसा आ गया कि भाई नहीं, इसको तो बार बार फोन आ रहे लोगों के, ये तो कहीं चले जाती है, और समझो वो कंटिन्यू करती तो अभी तो तू देख रहा है कि नहीं सब अच्छे होने वाला है, अब ये देख के कुछ बुरा होता तो? बोले हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपने ये भी देखना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ, थॉट में क्या होता है कि हम एक ही डायरेक्शन में हमारा थॉट चले जाता है और एक ही डायरेक्शन में चालू हो जाता है, तो उसको ब्रेक करना पड़ता है, थॉट ब्रेकिंग, और वो करके फिर दूसरी साइड भी देखना पड़ता है भाई चलो ये समझो ऐसा नहीं होता था, ये ऐसा इस तरह रहता था तो कि भाई वो लड़की, बहुत बार ऐसा होता है कि शादी के बाद में लड़की के फ़ोन जो है वो देख लिया एक बार हस्बैंड ने, मालूम पड़ता है कि अरे पहले वाले जो उसके दोस्त थे उनके हाथ में अभी भी चालू है बातचीत, तो भी तेरे को क्या रहता था कि कभी भी बाहर जाओ तो दिमाग में वही कि अरे वो क्या कर रही है घर में,
घर में कोई लोग तो नहीं आ रहे। बोले तो मतलब कैसा होता था तेरा जीवन? बोले हाँ ये मैंने सोचा नहीं। बोला फिर ये सोच, तू तो हायर लेवल की सोच रहा है कि जीवन अच्छा होता था, अब ये देख कि जीवन कैसा बुरा होता था। और फिर एक बार शादी होने के बाद में जब वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फाइनेंशियली बहुत गरीब है और तुम अच्छे घर के हो, वो तो छोड़ती नहीं थी। बोले अभी मेरे को तो प्रॉपर्टी होना, अभी तो मेरे को हिस्सा होना, अभी मैं वैसा तलाक नहीं दूंगी, डाइवर्स नहीं दूंगी। फिर उसको 5, 10, 15, 20 लाख जो भी मांगते वो दे दो और छुटकारा पाओ। मतलब ऐसी स्थिति होती थी। तो यहाँ से छुटकारा मिल गया अच्छे नहीं गया? बोले हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा मेरे को ये। तो जब ये सेशंस होते हैं तो ये सेशन में हम काउंसलिंग करते हैं और बताते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में एग्जैक्टली वही होता है कि जो थॉट आपको आ रहे हैं और एक डायरेक्शन में जो थॉट चल रहे हैं वो थॉट कैसे गलत है, और फिर सही थॉट क्या है, सही विचारधारा क्या है, सही विचारों की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, जो सोच रहे वो कैसा गलत है, और फिर अच्छा क्या हो सकता है, वास्तविकता क्या है, रियलिटी में क्या हो सकता है, उसको यदि वो देखता है उसके साथ में वो रिलेशनशिप करता है, मतलब गेटिंग रिलेशनशिप विद द रियलिटी, तो उसको समझ में आता है कि नहीं यार मैं तो जो कर रहा था वो ठीक नहीं था। तो ये सब ऐसी चर्चा होने के बाद उसको लगा कि बराबर है, ठीक है। और धीरे धीरे जब हमने सीटिंग्स लिए तो उसमें उसको अच्छा लगने लगा। तो ये है काउंसिलिंग का कमाल कि जिसमें हम बातचीत करके लोगों को अच्छा करते हैं। लोग बोलते हैं हमने काउंसिलिंग लिया है, हमको सब मालूम है, सब मालूम हो के होता कुछ नहीं है। सही डायरेक्शन विचारों की मिले तब जीवन अच्छा हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। जिनको बोलते हैं ना बहुत विचार आ रहे हैं, निगेटिव विचार आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, अकड़न है, ठीक नहीं लग रहा है, भूख नहीं लग रही है, कुछ तभी दिमाग में चल रहा है, और कुछ तभी जो दिमाग में चल रहा है उसमें से प्रॉब्लम आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।